अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ आफ्ताब। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आफ्ताब व्लॉग्स। वेलकम टू अनदर व्लॉग। यहाँ पे हम आए हैं प्यारे से दोस्त के पास, सनावला चौहान। इसकी अपनी शॉप है। इस शॉप पे भाई बिजी थे तो इसको सी ऑफ करने आए थे, तो आगे की तरफ गए एंड ड्राइव कर भाई हमने। तो हम जा रहे हैं अभी कैंट, टिकट करवाएंगे, उसके बाद जो टाइम मिला टिकट का। ये जोए भाई के शशके ख़त्म नहीं हो रहे भाई, का गाड़ी के आगे बैठ गए हैं। वाह जोएब भाई वाह। ये हमारे दोस्त हैं उस्मान, ये हमारे दोस्त हैं उस्मान साहब। तो आगे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे प्रोग्राम बना जाएंगे। जोएब भाई आगे बैठा हुआ है, वो मस्त हुआ हुआ है। तो आगे का सोचते हैं, देखते हैं क्या करना है। ये सामने गोल्ड मार्क है भाई, अख्तर कॉलोनी क्रॉस कर रहे हैं। सामने DHA फेस्ट हुए, काफ़ी रश भी था। तो हम लोग पेट्रोल पंप पे पहुंच गए। पेट्रोल पंप पे इन्होंने पेट्रोल वगैरह भरवाया गाड़ी वाले ने। तो हम लोग बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे हुए थे, कुछ डिस्कस कर रहे थे किसी बात पे। तो आगे की तरफ अभी जाएंगे कैंट। सोच रहे थे कि टिकट कौन सी गाड़ी में करवाएं, रात के टाइम दो ही गाड़ियाँ आती हैं। तो कैंट पहुँच गए हम, इंटर हो रहे हैं। अभी गाड़ी से उतर के जाएंगे अंदर टिकट करवाने। गाड़ी से उतर गए तो अभी टिकट करवाने जा रहे हैं। ये उस्मान भाई हमारा व्लॉग बना रहे खुद। आजा भाई तू ही व्लॉग में, आजा मेरे व्लॉग, आजा भाई तू ही व्लॉग बना ले मेरे वीडियो में। तो ये सीन ऐसे थे कुछ। तो भाई उस्मान ये व्लॉग बनाने में लगा हुआ है, तो मुझे थोड़ी कॉल्स वगैरह आ रही थी, तो इस हिसाब से भाइयों ने मोबाइल मुझे दी नहीं भाई, खुद व्लॉग्स बना रहे हैं ये मेरा व्लॉग्स। चलो मेरे लिए आसानी है, बनाओ बनाओ। तो ये अभी बाहर पहुंच गए, कॉल्स के ऊपर कॉल्स आ रही हैं। तो भाई बहुत रश है, लाइन लगी हुई है खैबर की तरफ, तो टिकट होना मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, फरीद एक्सप्रेस की तरफ जाते हैं, वहाँ पे टिकट करवाते हैं। बहुत ही साफ अच्छी गाड़ी है। तो चलते हैं आगे, टिकट वगैरह करवाई यहाँ पे, जो कि हम मैं पूछ रहा था AC कितने का ये वो। उसके बाद हम पहुँचे अब्दुल्ला शाह गाजी पर, और वहाँ पे मेरा कज़न मुझसे मिलने आया था, आमिर अली चौहान। ये घोटकी से बिलोंग करते हैं भाई पुलिस में। ये आपस में बातें कर रहे हैं, तो भाई तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। तो यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया। अभी आगे की तरफ जाएंगे, CVO ही सामने हैं। तो यहाँ पे दुआ वगैरह मांगी, तो अभी जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, CVO की तरफ जाएंगे। तो मौसम भी अच्छा था, आमिर कह रहा था कि वहाँ पे पिक्स और वीडियोस अच्छी आएंगी। तो हमने सोचा अब आएँ तो थोड़ा चक्कर लगा लें, वैसे भी शाम तक टाइम पास करना है जब तक गाड़ी का टाइम हो जाए। तो टाइम था हमारे पास, 1-2 घंटे थे, तो इसलिए हम जा रहे थे। तो ये अब्दुल्ला शाह गाजी से निकल रहे हैं, ये रास्ता सामने CVO की तरफ जाता है। और भाई क्या हाल है। हेलो, ओ मिस्टर, भाई देख रहे नहीं है, सीधे जा रहा है स्टाइल मारते हुए। ये भाई ये CVO के गेट से एंटर हुए जैसे हम। ये सामने मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, फिश वगैरह के स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं काफ़ी। वैसे तो मैं यहाँ पे काफ़ी अरसा रहा हूँ, इंजॉय वगैरह कर मतलब करने के लिए ये अच्छी जगह है, आ जाता था। तो थोड़ी बहुत रश आज भी है, वैसे आ जाता था, लेकिन अभी मैं काफ़ी अरसे बाद ही कराची आया हूँ, तो यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ अभी। तो काफ़ी इंजॉय वगैरह कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। ये मेरा कज़न भाई, इसकी खुशी अलग थी, पता नहीं ये रहता भी यहीं है आस पास, रोज़ आता, लेकिन आज इसकी खुशी अलग थी। तो भाई मौसम अच्छा है, वीडियो अच्छी आ रही है वैसे। तो कज़न चलता हुआ जा रहा है, इधर उधर देख रही है। जोए भाई ने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया आगे थे। वाह 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 वाह, जोए ब्लॉगर्स। तो ये बंदा बस खुश है, ज़्यादा खुश है। आमिर की बात कर रहा हूँ, आमिर बंदा ज़्यादा खुश है। ये बच्चा भाई ये फुल एंजॉय कर रहा है, हम तो टांगों की तरफ से आगे गए नहीं। तो ये बता रहा था कि वहाँ से वीडियो बनाओ, यहाँ से अच्छी आएगी, ये अच्छी आएगी, लेकिन आप व्यू चेक करें, मौसम चेक करें, वेदर चेक करें। ओए होए।
तो वीडियोस वगैरह कुछ बनवाई, ये क्लाउड्स देखें कैसे बने हुए हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्यारा मौसम था। तो ये उस्मान भाई विक्ट्री का निशान देते हुए, जो अभी अबे भाई विक्ट्री नहीं किए यहाँ पे, बस ऐसे ही घूमने आए हैं, कोई गेम वगैरह नहीं चल रही, तो आगे जा रहे हैं। ये फिर विक्ट्री भाई, बस कहाँ जाए आदत इनकी। तो एंजॉय वगैरह काफ़ी कर रहे थे हम लोग। ये मौसम पीछे वेदर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। बस उनको टाइम हुआ तो दोस्त आ गया था मेरा, एक मलिर से आशीर्वादी लगा रही, तो उसके बाद फरहान और अवेस सनावला ये आ गए थे। उससे पहले दोस्त ने हमें चाय पिलाई अवेस दायो ने, और उसके बाद हम लोग गए स्टेशन की तरफ, तो दोस्त आ गए थे तो जोब को भेजा था बिरयानी लेने, तो वो ऊपर आके पुल पे खड़े हो गए थे गाड़ी का वेट कर रहे थे, लेकिन गाड़ी को भी सिर्फ 2 मिनट थे आने वाली थी। ये भाई अंधेरा अंधेरा है, चलो कोई बात नहीं। ये बंदा क्यूट है यार, रात का टाइम है भाई, सबकी आंखें चल रही है, ये जो ब्रांड लेके खड़ा हुआ है। फाइनली गाड़ी आ गई है, ओहो गाड़ी की लाइट से फरहान तो चमक रहा है भाई, ये चमक रहे हैं, लाइटिंग वो हुई। गाड़ी आ गई, अब नीचे जाएं गाड़ी की तरफ, जिन्हें गाड़ी नहीं चली जाए, गाड़ी रुकने वाली है अभी। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ, जल्दी करो, आराम आराम से चल रहे हैं, चलें चलें जल्दी चलें। तो गाड़ी के पास जाके रुकते हैं, 5 मिनट का स्टॉप होता है, उसमें बैठना होता है। तो हम अपना इकोनॉमी नंबर ढूंढ रहे हैं हम सबके। ओ फरहान भाई थैंक यू वेरी मच हमारी इतनी खिदमत करने के लिए। ये सनावला, ये मेरा प्यारा दोस्त है सबसे, इसको तो आप जानते हैं जोए भाई, अल्लाह हाफिज़। ये बिरयानी कह रहा था और ले जाओ, सब कह रहे थे कि तीनों बिरयानी ले, मैंने कहा मैं इंसान हूँ भाई क्या हूँ, एक बिरयानी ले जा रहा हूँ बस बहुत है। तो युस्मान भाई थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी खिदमत की हमारी। ओ अबे शाबाश साहब थैंक यू। शाबाश है असली व्लॉगर है ना, ये असली व्लॉगर। ओ आसिफ वाली लगा रही साहब, ये बंदा भी व्लॉगर बनेगा। चलें बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बिरयानी ये कह रहे थे बिरयानी उठे, मैंने कहा हाँ हाथ में है, तो सी एफ तो आगे की तरफ थोड़ा सा लोग दिखाते हैं अभी दोस्त। तो थैंक यू सारे दोस्तों का मुझे सी एफ करने आए। बस हमारे हफ्ता अभी बिलो का साथ रहता हूँ, स्टार्ट के वालों घर अभी हम घर जा रहे हो, माँ होना है। तो उसके बाद हम लोग हैदराबाद पहुँचे टाइम से, तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम था, हैदराबाद पहुँच गए थे। तो यहाँ से मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, तो सुबह फिर रोड़ी स्टॉप पे पहुँचे हम लोग। ये जल्दी टाइम से पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ पे स्टॉप था इनका, तो रोड़ी पे थोड़ा क्लिप वगैरह बनाया। अभी घोटकी पहुँचे हैं, बस घोटकी अभी आधा घंटा दूर है हमारा शहर मीरपुर माथेलो, तो घोटकी से अभी निकलेगी गाड़ी। तकरीबन 2 मिनट का स्टॉप होता है हमारे स्टेशन पे, रोड़ी और हैदराबाद पे थोड़ा ज़्यादा स्टॉप होता है। ये मैं इधर उधर का नज़ारा देख रहा हूँ, सुबह का भाई फेस ऐसे हुआ होता है, बाल भी ऐसे हुए होते हैं। फाइनली यहाँ से गाड़ी निकल रही है, बस अभी आधा घंटा है। तो ये घोटकी बोर्ड लगा हुआ है, घोटकी स्टेशन, तो ये बाहर का व्यू है। ये मेरे बाल बार बार ख़राब हो रहे हैं, सफ़र पे बालों का कोई हाल नहीं होता, इसलिए बार बार बाल सेट करने पड़ते हैं। ये मीरपुर माथेलो का फाटक है, स्टेशन पे पहुंच गए हैं, मीरपुर माथेलो उतर आए, अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, दोस्त लेने आया है, तो देखते हैं वो नीचे खड़ा है या नहीं, तो नीचे जा कर ही वो पता चलेगा, अभी देखते हैं। तो वो सुबह का अपने शहर का व्यू देखें, माशाल्लाह ये दोस्त अभी आ गया है, ओए वर्दी में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, मिल रहा हूँ मैं यहाँ बस भाई। तो यहाँ पे से मैंने यहाँ पे ही मिला, तो यही पे आज के ब्लॉग एंड करते हैं।